फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया सेंसेशन रानू मंडल की, जो अपने एक ही गाने के बदौलत रातों रात स्टार बन गई। रानू का पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना गाते हुए एक वीडियो क्या वायरल हुआ, रानू की तो किस्मत के सितारे ही चमक गए। हिमेश रेशमिया की फिल्म हिप्पी हाडेन हीर के लिए हिमेश के साथ 3 गाने रिकॉर्ड कर बॉलीवुड में एंट्री करने वाली रानू मंडल सफलता की ऊंचाइयों को पहुंच गई है। अब खबर आई है रानू मंडल पर बायोपिक बनने जा रही है। रानू मंडल पर बनने जा रही बायोपिक में नेशनल अवार्ड विनर सुदीप्ता चक्रवर्ती उनका किरदार निभाते नजर आएंगी। सुदीप्ता ने IANS को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिल्म ऑफर हुई है, हालांकि मुझे अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं मिली है। मैंने यह फैसला किया है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही किरदार निभाऊंगी या नहीं इस फिल्म का फैसला करूंगी। पत्रकार से फिल्म मेकर बने ऋषिकेश मंडल फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम प्लेटफॉर्म सिंगर रानू मंडल होगा, जिसमें रानू मंडल की वेस्ट बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड तक के सफर को दिखाया जाएगा। ऋषिकेश ने कहा, सुदीप्ता चक्रवर्ती को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ नहीं की है। मुझे लगता है कि अगर रानू मंडल के किरदार को परफेक्शन के साथ कोई निभा सकता है तो वह सुदीप्ता ही है। वह एक शानदार एक्ट्रेस है। अगर सुदीप्ता चक्रवर्ती फिल्म के लिए हाँ करती है तो जल्द ही फिल्म की बाकी कास्ट फाइनल की जाएगी और अक्टूबर से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिल्म का म्यूजिक सिंगर कंपोजर सिद्धू क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाना गाकर गुजारा करने से लेकर इंटरनेट सेंसेशन बनने तक रानू मंडल की इंटरेस्टिंग कहानी के कारण ही वह एक बायोपिक की हकदार है। फिल्म निर्माता का मानना है कि इस पर फिल्म बनने के लिए यह परफेक्ट टाइम है, क्योंकि रानू मंडल के बारे में जानने के लिए लोग अभी काफी उत्सुक है। ऋषिकेश ने आगे कहा, यह फिल्म सोशल मीडिया की ताकत को भी उजागर करेगी, जिसने एक रोड साइड सिंगर को स्टार बना दिया। स्क्रिप्ट के लिए रिसर्च करते हुए रानू मंडल से मिलने के अपने अनुभव को साझा करते हुए ऋषिकेश ने कहा, मैंने कई बार रानू मंडल से मिलने और बात करने के बाद जो कुछ इकट्ठा किया है, उससे पता चलता है कि वह एक शिक्षित परिवार से आती है। वह संगीत से प्यार करती है और बचपन से ही संगीत की शौकीन रही है। वह एक सरल और प्यारी इंसान है जो स्वभाव से भावुक है। ऋषिकेश ने आगे कहा, रानू दी ने मुझे फिल्म में उनके जीवन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने के लिए कहा है जो उन्हें चोट पहुंचाएगा। इसके लिए उन्होंने बायोपिक के बारे में बहुत सहयोग दिया और मुझे उनके जीवन से बहुत सारी जानकारी देकर मदद की। वह ईश्वर में विश्वास रखती है और बहुत ही मददगार व्यक्ति है। वह मेरे साथ बहुत ही अच्छी और दयालु रही। मैंने इस फिल्म के लिए उनकी बेटी से भी बातचीत की है। फिल्म मेकर ने गेस्ट अपीयरेंस के लिए रानू मंडल से भी बातचीत की है, लेकिन यह अभी फाइनल नहीं हुआ है कि वह अपने बायोपिक में दिखेगी या नहीं। ऋषिकेश रानू मंडल का मुंबई से लौटने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि स्क्रिप्ट को लेकर उनकी टीम से बाकी की बातें भी कर ली जाए। प्लेटफॉर्म सिंगर रानू मंडल के कुछ हिस्सों को रानू के गृहनगर राणाघाट में शूट किया जाएगा, जबकि कुछ दृश्य मुंबई और उसके अलावा बाकी फिल्म को कोलकाता के स्टूडियो में शूट किया जाएगा। फिल्म का निर्माण सुभजीत मंडल करने जा रहे हैं और फिल्म अगले साल फरवरी तक सिनेमाघरों में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और भी ताजातरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें गजब खबरें।